प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो लेक्चर है वो फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक, तो चलिए जान लेते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन डेफिनेशन एंड इसके टॉपिक्स। ठीक, सो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है हमको ये सबसे पहले जानना चाहिए। ठीक, हिंदी में आप इसको लिखते हैं गुण उत्तर श्रेणी। ठीक है, डेफिनेशन यही हो जाएगी आपकी कि आप जो नए एलिमेंट्स लाएंगे, जैसे सब कुछ कोई एलिमेंट्स है आपके पास, ठीक है, और उसमें आप मल्टीप्लाई करते जाइए, तो गुण उत्तर, गुणा करने के बाद जो उत्तर आता है, फिर जो नेक्स्ट उत्तर आएगा, ठीक है, और वैल्यू उसी चीज़ का मल्टीप्लाई करेंगे सेम का। जैसे हमने सपोज यहाँ किया 2 किया, ठीक, सो 2 आपने माना, सो आपने इसमें 2 का ही मल्टीपल करना है, देन कितना आएगा पास, 4 मिलेगा। ठीक है, फिर इसी 4 में आप क्या करिए, फिर से 2 का मल्टीप्लाई करिए, सो आपको कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। फिर इसी 8 में आप 2 का मल्टीप्लाई करिए, सो आपको 60। तो ये जो गुणा करने पर आपको मिलेगा, ये किसी ना किसी सिक्वेंस में आ रहा होगा। और ठीक है, सिक्वेंस क्या है इसमें, रेशियो का है, गुणा आप कर रहे हैं, ठीक है, गुणा आप 2 का मल्टीप्लाई किए इसमें, फिर इसमें 2 का मल्टीप्लाई, तो ये जो सीक्वेंस आ रहा है दैट इज ज्योमेट्रिक गुणोत्तर श्रेणी। ठीक, जैसे हमने एपी में किया था, एपी में आप क्या करते, कोई चीज़ ऐड करके ला रहे थे, ठीक है, तो ऐड करके ला रहे थे, देन आप रिवर्स घटा के ला रहे थे, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करते थे। उसी तरीके से आप जब मल्टीप्लाई 2 का कर रहे हैं, देन आप उल्टा इसका रेशियो निकालिए, ठीक, उसको हम कॉमन रेशियो कहेंगे। तो इसमें कुछ चीज़ें आप समझ लीजिए, इसको हम जनरल फॉर्म में जान लेते हैं गुणोत्तर श्रेणी को, जिस तरह से एपी में हमने जाना था। तो जरा हम जनरल टर्म से इसमें मान लेते हैं ए, ये मान लिया हमने कि जो आपकी प्रोग्रेशन है सीरीज, उसका फर्स्ट टर्म है ए, देन सेकेंड टर्म से इसमें हमने कोई मल्टीप्लाई किया, दैट मीन्स आर का मल्टीप्लाई किया, एंड अगेन हमने फिर आर का मल्टीप्लाई किया, सो आर इंटू आर दैट इज आर स्क्वायर, अगेन हम आर का मल्टीप्लाई करेंगे, देन आर क्यूब। इस तरीके से आपको जो है सीरीज बनती जाएगी, और सीरीज बहुत आगे तक जाएगी, इनफाइनिट तक आएगी। तो हम मान लेते हैं इसका कोई एन वा टर्म्स, ठीक, सो एन वा टर्म्स यदि नाम देंगे तो ए आर पावर एन माइनस वन, वेयर एन, क्या आप पुटअप करेंगे जो काउंटेबल नंबर्स हैं 1 2 3 4, अगर आप ये चीज़ पुटअप करेंगे देन इसमें, तो आप ये सारे नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दैट मीन्स इसका आपने एनवा टर्म्स यदि माना है ए आर टू द पावर एन माइनस वन, सो ये एनथ टर्म ऑफ सीरीज हो जाएगा। ठीक है, एनथ टर्म ऑफ जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक, ये आपका स्टार्टिंग से एनवा टर्म्स है, आप चाहें तो लास्ट से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट से आप क्या करेंगे, यदि हम चलिए पहले इसमें आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो स्मॉल ए है उसको आप क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म, श्रेणी का फर्स्ट टर्म। इसमें जो आपका आर है, आर को आप नाम देते हैं कॉमन रेशियो, सार्व अनुपात। ठीक, ये आप कैसे निकालते हैं, ये वैल्यू लिखते हैं ए आर और डिवाइड करते हैं ये, तो आपको जो है आर मिलेगा। इसी तरह से ए आर स्क्वायर डिवाइड करेंगे इसका ए आर का, तो भी आर मिलेगा। ये बराबर बराबर रेशियो आना चाहिए, अगर ऐसा आता है दैट मीन्स यू कैन से द गिवन सीरीज इन ज्योमेट्रिक। ठीक, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सो ये आपको पहचानने का तरीका ज्योमेट्रिक, जिस तरह से एपी में हम घटा के पहचानते थे, उसी तरह से जीपी में आपको इसमें डिवाइड करना है इस वैल्यू का, फिर इसमें डिवाइड करना है इस वैल्यू का, और ये रेशियो बराबर आना चाहिए, सो कॉमन रेशियो कहलाता है। ठीक है, बराबर आता है, सो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ये कहलाएगा। ठीक, चलिए हमने सबसे पहले इस पे बात की, एनथ टर्म ऑफ जीपी, और ये स्टार्टिंग पॉइंट से जो है शुरुआत से एनवा टर्म्स हैं। ठीक, यदि इसी श्रेणी में हम मान लें कि टी एन जो है इससे आगे सीरीज और नहीं जा रही है, क्योंकि सीरीज तो अभी और आगे भी होगी, एनवा टर्म्स है, इससे आगे भी हो सकता है, तो यदि हम इसको एल टर्म्स मान लें, लास्ट टर्म, मतलब आगे है ही नहीं, यही लास्ट है, टी एन इक्वल्स टू एल, देन फार्मूला बन जाएगा एल इक्वल्स टू ए पावर ए इंटू आर पावर एन माइनस वन।
ये ठीक। यहाँ एल आपको लास्ट टर्म है, ए जो है श्रेणी का फर्स्ट टर्म है, आर जो है कॉमन रेशियो है, एन एन नंबर ऑफ टर्म, ठीक है, पदों की संख्या रहेगी। चलिए तो ये शुरुआत से एनवा टर्म्स निकालना है। यदि हम लास्ट से एनवा टर्म्स निकालें जीपी का, ठीक है, एन ए टर्म ऑफ जीपी फ्रॉम लास्ट, सो लास्ट से हमें क्या करना है, देखिए जब हम शुरुआत से निकाल रहे हैं तो ए में मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसका, आर टू द पावर एन माइनस वन का फर्स्ट रो में। जब लास्ट से चलेंगे तो लास्ट दैट मीन श्रेणी ये यहाँ से स्टार्ट होगी, एल एल, ठीक, उल्टा आएंगे तो आपको डिवाइड करके आना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसी ए में आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे आर पावर एन का, मतलब जो रेशियो है, ठीक है, जो भी रेशियो रहेगा उसका डिवाइड करते जाएंगे। तो फर्स्ट टर्म में आप इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जब पीछे से आएंगे तो फर्स्ट टर्म पीछे से क्या कहलाएगा, एल कहलाएगा, ठीक। सो एल अपॉन डिवाइड कर देंगे रेशियो का, रेशियो क्या है एन टर्म के लिए, आर पावर एन माइनस वन। जिस तरह से हम एपी में क्या करते थे, जब शुरुआत से एन टर्म्स निकालना था तो हम लिखते थे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और जब हम लास्ट से बात करते हैं तो एल में से घटा देते हैं, प्लस का उल्टा कर देते हैं, यही रेशियो डिफरेंस घटा देते हैं। उसी तरह से हमने क्या किया, जब शुरुआत से निकाले तो हमने मल्टीप्लाई किया आर पावर एन माइनस वन का मल्टीप्लाई किया, देन हम लास्ट निकाल रहे हैं तो उसमें क्या करेंगे, लास्ट ये एल काम करेगा फर्स्ट टर्म लास्ट से, ठीक। सो उसमें हम डिवाइड कर देंगे इसका, सो ये लास्ट से टर्म हो गया, ठीक। चलिए ये दो हेडिंग्स हैं और इससे जो है हम एक चाहे तो एक दो सवाल भी बना सकते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन ज़रा देख लें इसी पे, ठीक। तो क्वेश्चन कुछ ऐसे बना लेते हैं, एक हमने आपको सीरीज दी 2 6 एंड हम 3 का मल्टीप्लाई करके बना लेते हैं हम, ठीक है। ये हमने दिया, ठीक है, ये सीरीज दी हमने आपको, और हमने कहा कि इसका जो है नौवां पद निकालिए, आप नौवां पद फाइंड आउट करिए, ठीक है। तो श्रेणी है, हमने सॉल्व किया, सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आप कंपेयर करेंगे, फर्स्ट टर्म आपको 2 कहलाएगा, रेशियो आप निकाल लेंगे, रेशियो क्या होगा 6/2, दैट मीन्स 3 आएगा, ठीक है, ये भी 3 आएगा, और यदि आप 18/6 करें ये भी 3 आएगा, 54/18 करें तो भी 3 आएगा, दैट मीन्स रेशियो बराबर आ रहा है। सो ये जी पी है, आप कह सकते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। फर्स्ट टर्म पता है आपको, रेशियो आपको पता चल गया जो है 3 है, हमने कहा नाइन्थ टर्म का, नाइन्थ टर्म निकालिए इसके, ना नौवा टर्म्स T9, जैसे एनवा टर्म्स है वैसे ही नौवा टर्म्स निकालेंगे, तो T9 आपको फाइंड आउट करना है। सो दैट मीन्स एन जो है वो आपको 9 गिवन है, ठीक, मतलब नौवां पद निकालना है। आपने फॉर्मूला ये अप्लाई किया, टी एन इक्वल्स टू ए आर पावर एन माइनस वन, एन की जगह आपको टप करें 9, सो ये नौवां पद आ जाएगा, ए की वैल्यू 2r3 पावर 9 माइनस 1, सो ये आपको टर्म्स मिल जाएगा 2 × 3 पावर 8। इसको आप मल्टीप्लाई करके जो है 3 का 8 बार मल्टीपल करेंगे, बट 2 से मल्टीपल करेंगे तो ये आपको T9 मिल जाएगा, ठीक है, जितना भी मिलेगा ये हम सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरीके से ये शुरुआत से एनवा पद फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। अब इसी में यदि हम आपसे उल्टा क्वेश्चन पूछ लें, ये कि एनवा टर्म्स इसका लास्ट से फाइंड आउट करिए, तो लास्ट से यदि आप इसी में निकालना है, ठीक, तो आपको क्या होगा कि लास्ट टर्म यहाँ से गिवेन होगा। जैसे क्वेश्चन हम ऐसे बना लें, दूसरा देख लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। यदि हम इसी में श्रेणी कुछ इस तरह से दे दें 2 4 8 16, ठीक, और लास्ट टर्म हमने दे दिया इसमें ये दे दिया सब कुछ हमने, ठीक है, ये हमने सपोज किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं।
तो ये श्रेणी का फर्स्ट टर्म कहलाएगा, मतलब एल कहलाएगा, क्योंकि हम लास्ट से बात कर रहे हैं, ठीक है ना। इसमें हम देखेंगे फर्स्ट टर्म जो होगा वो हमारा 2 होगा, रेशियो जो है वो हमारा कितना होगा, 4/2, 8/4, दैट मीन्स 2, रेशियो 2 आएगा। और एल गिवन होगा लास्ट टर्म 150, ठीक। देन आपको लास्ट से निकालना है, तो देन आप एल अपॉन करेंगे आर पावर एन माइनस 1, ठीक। एल आपको 150 पता है, आर आप 2 निकाल चुके हैं, ठीक है। एन, अब एन का मतलब आपको कौन सा टर्म्स निकालना है, जैसे हमने कहा लास्ट से इसका 10वां पद निकालो, तो आप एन की जगह 10 पुट अप कर देंगे, इसको कर देंगे सॉल्व, टी 10 निकाल रहे हैं फ्रॉम एंड अंत से, दैट इज क्लियर। ये इसमें हमने पुट अप किया एल अपॉन आर फॉर एन माइनस 1, अंत से 10वां पद निकाला हमने, ठीक। तो L किया अपॉन 2 पावर 10 माइनस 1, और इस तरह से हम निकाल सकते हैं, ठीक। तो ये दो टॉपिक मैंने आपको, मतलब टॉपिक एक ही है, शुरुआत से एनवा टर्म्स निकालना और लास्ट से एनवा टर्म्स निकालना, ठीक। तो जब आपको शुरुआत से एनवा टर्म्स निकालना है, देन टी एन इक्वल्स टू ए आर पावर एन माइनस 1। अब कोई भी टर्म निकालना हो, 5वां, 6वां, 7वां, 9वां, कोई भी एन की जगह वो वैल्यू आप पुट अप करते जाएँ। इस तरह से लास्ट से आपको निकालना है, तो लास्ट से जो है प्रथम टर्म्स एल काम करेगा, क्योंकि उल्टा चलेंगे आप, उसमें आप डिवाइड कर देंगे आर पावर एन माइनस 1 का, ठीक। एन मतलब कौन सा टर्म्स आपसे लास्ट पूछ रहा है, लास्ट से 10वां पूछ रहा है ना, 9वां पूछ रहा है, 12वां पूछ रहा है, कौन सा पूछ रहा है, वो आप एन की जगह पुट अप करेंगे और इस तरीके से आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक। तो ये गुणोत्तर श्रेणी का मतलब पहला टॉपिक था, और इससे रिलेटेड मैंने आपको मिनिमम 2 सवाल बताए, ठीक है। चलिए अब हम जो है आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर में, तो उसमें इससे आगे के जो टॉपिक्स हैं उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।